इस वक्त आम आदमी सबसे ज्यादा बढ़ती महंगाई से परेशान है। कोरोना पहले ही आम आदमी की कमाई पर कड़ा प्रहार कर चुका है, उसके बाद महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बड़ा अटैक किया। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए अच्छी खबर आई है। अगस्त में महंगाई पिछले चार महीने में सबसे कम रही। अगस्त में महंगाई दर 5.30% रही, जो जुलाई में 5.59% थी। एक साल पहले अगस्त में महंगाई दर 6.69% थी। महंगाई का गिरना कुल मिलाकर राहत की बात है। महंगाई को कम करने में खाने पीने की चीजों की कीमतों ने अहम रोल निभाया है। अगस्त में खाने पीने की चीजों के दाम गिरे हैं, हालांकि खाने के तेल के दाम अभी भी चिंता का विषय हैं। अगस्त में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 3.11% रही, जो पिछले साल अगस्त में 9% से ऊपर थी। अगस्त में सब्जियों की कीमत में 11.7% की कमी आई है, जबकि सालाना आधार पर खाने के तेल के दाम करीब 33% बढ़े हैं। ईंधन और बिजली 13% महंगी हुई है। महंगाई के आंकड़ों में सबसे अच्छी बात ये रही कि लगातार दूसरे महीने महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य के मुताबिक ही रही। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई दर 4-6% के भीतर रहे। अब माना जा रहा है कि खरीफ की फसल की कटाई के बाद महंगाई दर में कुछ और कमी आ सकती है। अगस्त के महंगाई के आंकड़ों की तुलना में दूसरे विकासशील देशों से करें तो भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आती है। ब्राजील में महंगाई दर 9.68% है, वहीं रूस में 6.68% है, फिलीपींस में 4.9% है, इंडोनेशिया में 1.59% है, चीन में 0.8% है और मैक्सिको में महंगाई दर 5.59% है। अमेरिका में भी महंगाई 13 साल के उच्चतम स्तर पर है। वहां पर भी कोरोना से सप्लाई प्रभावित होने की वजह से महंगाई चरम पर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महंगाई के मामले में भी अभी भारत की स्थिति थोड़ी ठीक है। माना यह भी जा रहा है कि पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने से अगले कुछ हफ्तों में खाने के तेल के दामों में भी कमी आ सकती है, यानी कि दिवाली पर आम आदमी को महंगाई से थोड़ी और राहत मिलने की उम्मीद है।